नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं आप लोगों को। आज का जो हमारा टॉपिक है वो सोनालिका कंपनी के दो रोटावेटर, एक सोनालिका रोटावेटर करके आता है और एक आता है सोनालिका चैलेंजर करके। बहुत सारे सब्सक्राइबर मुझे ये कमेंट कर रहे थे कि सर आप इसके ऊपर वीडियो बनाइए, आखिर सोनालिका और सोनालिका चैलेंजर में क्या अंतर है, सोनालिका चैलेंजर महंगा है तो क्यों महंगा है। सब्सक्राइब करिए एग्रीटेक चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एग्रीकल्चरल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि सोनालिका जो कंपनी है वो होशियारपुर पंजाब की कंपनी है, इंटरनेशनल कार एंड मोटर लिमिटेड करके ये कंपनी है। इसी का एक यूनिट है सोनालिका रोटावेटर का, जो सोनालिका एग्रो इंडस्ट्रीज करके या फिर सोनालिका इंडस्ट्रीज करके है, ये बनाती है रोटावेटर को। रोटावेटर जो दो अलग अलग हैं, सोनालिका और सोनालिका चैलेंजर, इन दोनों रोटावेटर की बात अगर किया जाए तो दोस्तों सोनालिका वाला जो रोटावेटर आता था, ये जब 2005 या 6 में रोटावेटर का मैन्युफैक्चरिंग शुरू हुआ तो सोनालिका नाम से ही रोटावेटर आता था। इसमें होता क्या था, इसमें जो आपका क्राउन और पिनियन होता था वो 11 और 20 का होता था और अस्पर गियर 17, 18, 16, 19, 15, 20 इस तरह के होते थे और साइड गियर 20, 35, 28 के हुआ करते थे। ये रोटावेटर पहले सिर्फ और सिर्फ सोनालिका MS मॉडल में ही आता था, उसको मल्टी स्पीड कहा जाता था। फिर बाद में कंपनी ने 2017 में या 2018 में सोनालिका चैलेंजर एक मॉडल लॉन्च कर दिया। सोनालिका चैलेंजर बाद में आया है और शक्तिमान ने अपना सेमी चैम्पियन 2008 के लगभग लॉन्च किया था। शक्तिमान 13 और 23 का क्राउन पिनियन 2008 में ही लॉन्च किया था। तो ये 13 और 23 का क्राउन पिनियन होता क्या है कि ये चलता बहुत ही अच्छा है और इसमें टूट फूट की शिकायत नहीं आती है, जबकि सोनालिका वालों का जो 11-20 का क्राउन पिनियन होता था ये बहुत ही ज़्यादा तोड़ फोड़ करता था। तो सोनालिका ने भी इस चीज़ को फॉलो किया और सोनालिका ने 13 और 23 का क्राउन पिनियन लगा के अपना एक मॉडल लॉन्च किया जिसको कहते हैं सोनालिका चैलेंजर। सोनालिका और सोनालिका चैलेंजर में सिर्फ और सिर्फ इतना ही फ़र्क है, सोनालिका वाले रोटावेटर में आपको करंट टाइम में गियरबॉक्स उन्होंने हालांकि चेंज कर दिया है, अब 13-25 का गियरबॉक्स देना शुरू कर दिया है, क्राउन पिनियन 13-25 का आने लगा है, 11-20 वाला तो उन्होंने लगभग बंद ही कर दिया है, सिर्फ सिंगल स्पीड में आ रहा है इस समय, बाकी 11-20 बंद ही कर दिया है उन्होंने। लेकिन ये जो चैलेंजर मॉडल है ये 13-25 के क्राउन पिनियन में आता है और 13-25 के क्राउन पिनियन की ये खासियत होती है क्योंकि क्राउन पिनियन डाई में यानी शेप में बड़ा होता है 11-20 और 13-25 की अपेक्षा, तो इसलिए ये तोड़फोड़ कम करता है, साथ ही साथ इसमें बैरिंग भी बड़ी यूज होती है। सोनालिका में जो 11-20 आता था उसमें बैरिंग 30-210 पिनियन में यूज होता था और 32-211 क्राउन में यूज होता था। अभी जो चैलेंजर मॉडल आ रहा है इसमें आपको 32-211 पिनियन में मिलेगा और 32-214 जो है आपको क्राउन में मिलेगा। मेन साफ्टीन, जैक साफ्टीन जिसको कहते हैं, वो पहले 45mm की आती थी, अब वो 55mm की सोनालिका चैलेंजर में आपको मिलती है। मेनली डिफरेंस की बात किया जाए दोस्तों तो क्राउन पिनियन के अलावा वजन का भी डिफरेंस होता है। सोनालिका का जो इनका मॉडल आता था वो लगभग 4.5 क्विंटल के आसपास आता था, अभी जो इनका सोनालिका चैलेंजर आ रहा है ये 4.80 क्विंटल के आसपास ये लिख के देते हैं, लेकिन ये 5 क्विंटल के पार ही है। तो ये मेनली दोनों में डिफरेंस है।